आज के समय में बहुत सारे लोगों को एक ही समस्या है कि उनका शरीर जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफनेस, सारा सारा दिन बैठे रहना पड़ता है और एक ही जगह में बैठे बैठे शरीर में अकड़न पैदा हो जाता है और उसके कारण से जो है शरीर में बहुत तरह का दर्द शुरू हो जाता है और हार्ट का प्रॉब्लम, स्पेशली हार्ट का प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाता है, शरीर में जकड़न होता है, जहाँ वहाँ दर्द होता है और फ्लेक्सिबल नहीं रहता शरीर। हम ठीक प्रकार से अपने शरीर को जो है शरीर के अंगों को जैसे कि हाथों को पैरों को ठीक प्रकार से हम नहीं हिला सकते, इधर उधर नहीं कर सकते और धीरे धीरे जो है गले में स्टिफनेस आ जाता है, स्पॉन्डलाइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है, कार्विकल स्पॉन्डलाइटिस, लुम्बर स्पॉन्डलाइटिस, स्पाइन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लोअर बैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इतना अच्छा है ये एक आसन जिसको करने से जो है हमारा ये सारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होता है, राइट। तो वो सभी लोग जो कंप्यूटर में बहुत देर देर तक जो है उनका काम रहता है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं जैसे कि टीचर्स, वकील, डॉक्टर्स, राइट, एंड द पीपल हु आर रिलेटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं डायरेक्टर्स, जो अभिनेता, उन लोगों को बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, राइट। तो इस तरह के लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन आसन है, एक आसन बताऊंगा, सेतुबंध आसन, जिसको करने से ये सारा स्टिफनेस शरीर का जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, राइट, और साथ में हार्ट का हेल्थ मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा, राइट। तो सारे बेनिफिट्स बताऊंगा, प्रिकॉशंस बताऊंगा, पहले आसन करते हैं, राइट। तो उन लोगों को जिनका शोल्डर का प्रॉब्लम है वे ना करें और जिनका रिसेंटली हिप्स में कुछ इंजरी आया है और जिनके जो स्पाइन में प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन, वे ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट के हमें दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है इस तरह से। अगर आप किसी कारणवश पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बस यहीं पर रखें हाथ और धीरे धीरे अपने जो है हिप्स को ऊपर की ओर ले जाएं और हिप्स को ऊपर की ओर ले जाते वक्त आपका जो है कंधा धीरे धीरे आप सरकाते हुए इस तरह से अपने हाथों को पैर की ओर लेके जाइए। थोड़ा सा जो है आपका कंधा जो है आपके पैर की ओर जाएगा इस तरह से और आपका शरीर जो है मिडिल पार्ट ये पूरा ऊपर जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह से अपने हाथों से ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से लाइक दिस ऑल्सो यू कैन एबल टू डू। एंड योर चिन, आपका जो चिन है ये यहाँ पर चेस्ट में रहेगा, यानी कि जलंधर बंद लगेगा इसमें। तो इस तरह से अपने दोनों पैर पे यहाँ पर पकड़ लेना, ठीक है। तो इन दिस पोजिशन यू हैव टू स्टे फॉर सम seconds or minutes according to your capabilities, आपके अपने कैपेसिटी के अनुसार कितना जितना देर हो सके आप यहाँ पर रखें। 10 सेकंड से लेकर आप एक मिनट तक इस पोजीशन में रह सकते हैं। ये पूरा शरीर को जो है स्ट्रेच देता है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये जो है स्टिमुलेट करता है। और जो है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है, पूरे शरीर में ब्लड का आवाजाह ठीक प्रकार से होता है और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, राइट, तो हमारे हार्ट को जो है हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी का जो भी प्रॉब्लम है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, बीपी नॉर्मल रहेगा, हार्ट को जो भी समस्या है हार्ट का समस्या दूर होगा, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, ब्रेन को शांति मिलेगी और हमारा जो भी दिनचर्या का काम करने में हमें आसानी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, शरीर का जो भी अकड़न है, जकड़न है, स्टिफनेस है वो दूर होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको कोई भी काम करने में आसानी होगी और शरीर का जो छोटा मोटा दर्द है, नेक पेन, सर्विकल स्पॉन्डलाइटिस, लुम्बर स्पॉन्डलाइटिस, यहाँ पर जो पेन रहता है लोगों को, इस पेन से जो है बहुत हद तक आराम मिलेगा
आपका जो कंधा कंधा में जो पेन है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है, और हिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपका तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक आसन है। आसन का नाम सेतुबंधासन। प्रिकॉशंस, दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइन इंजुरी रिसेंटली, दे शुड अवॉइड दिस आसन। रेस्ट ऑफ द अदर पीपल दे कैन एबल टू, दोज पीपल हु आर हैव नेक इंजुरी, बिकॉज हियर इन दिस आसन यू हैव टू स्ट्रेच योर नेक, राइट? तो नेक को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है, तो नेक इंजुरी अगर किसी को है तो वो ना करें। बाकी ऑलमोस्ट ऑल द पीपल कैन एबल टू डू दिस आसन, राइट? दिस इज वेरी वेरी गुड आसन, स्पेशली दिस इज ए चेस्ट ओपनिंग आसन, सो इट इज वेरी गुड फॉर द हार्ट, गुड फॉर लंग्स एंड गुड फॉर द एब्डोमिनल, ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गेन्स, गुड फॉर थायराइड, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जो जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिन महिलाओं को जो महिलाएं मोनोपॉज से गुजर रही है, जिनको मोनोपॉज शुरू हो चुका है आफ्टर 50, आफ्टर 45, किसी को 45 से शुरू हो जाता है मोनोपॉज, किसी को 50 से शुरू होता है, राइट? किसी को 40 से भी शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मोनोपॉज के जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उन इफेक्ट्स को ये ठीक करने में बहुत सहायता करता है। तो महिला भी ये आसन करें, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, मोनोपॉज का प्रॉब्लम रहता है, तो महिलाएं भी ये आसन कर सकती हैं। और पुरुषों को तो जरूर करना चाहिए। और जो लोग बैठे बैठे दिन भर बैठे रहने का काम जिनको रहता है, बैंक के कर्मचारियों को ये करना चाहिए, और टीचर्स को ये करना चाहिए जिनका बहुत लंबे समय तक बैठे रहने का काम होता है या खड़े रहने का काम होता है, तो उन लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए, सेतुबंध आसन। तो आप अपने जीवन में इस आसन को शामिल करें। और आज का ये जो है सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।